खुशबू सिंह और आप देख रहे हैं यूपी लाइव टीवी। बस कुछ ही दिन बचे हैं पांचवें चरण का चुनाव होना, और पांचवें चरण में इस बार लखनऊ भी है। जी हां, पांचवें चरण में लखनऊ में चुनाव होने वाला है। और बताते हैं कि भाजपा प्रत्याशी है राजनाथ सिंह, वही गठबंधन के प्रत्याशी है रविदास मल्होत्रा। और मैं बोलेंगे मुझे एक बार दिखाइए हुजूर ये जो भीड़ है। बता दें कि आज अखिलेश यादव यहाँ पे रोड शो कर रहे हैं, यानी एक तरह से तो शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये जो जन सैलाब है उनकी एक झलक देखने के लिए आई हुई है यहाँ लखनऊ के। तमाम सपा के कार्यकर्ता हो या फिर कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, कह सकते हैं कि गठबंधन के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पे मौजूद है। ये 3 घंटे से लगातार अपने नेता को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे मौजूद है। और हमारे पास दिखा सकते हैं पार्टी का ही लग रहा है। इंडिया गठबंधन इस बार जीत रही है और सरकार अपनी बना रही पूर्ण बहुमत से। मैम क्या लग रहा है इस बार, कितना एकदम इस बार लग रहा है कि बिल्कुल सपा जीतेगी और गठबंधन सरकार जीतेगी और हम लोग बहुत 4 जून को अपना सरकार बनाने वाले हैं। गठबंधन क्या कहेंगी मैम, क्या लगता है मैम, प्रॉपर लग रहा है मैम वकील हैं आप? मैम हम लोग वकील हैं, पूरा अधिवक्ता समाज आया हुआ है, पूरी व्यापारी आई हुई है, सारी जनता जनार्दन आया है। और लगता क्या इंडिया गठबंधन आ रही है, पूरी आ रही है। चलिए ठीक है, अलग ही उत्साह है क्योंकि रात हो चुकी है और यहाँ पे देख सकते हैं कि जिस तरह से अपने नेता अखिलेश यादव का लोग इंतजार कर रहे हैं, बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और लोगों से बात करते हैं। क्या माहौल लग रहा है सर? देखिए माहौल तो ये है कि रविदास जी कम से कम 4 लाख वोटों से जीतने जा रहे हैं। और पहली बात, जो हमारे यहाँ का प्रत्याशी है उसको कोई नहीं जानता, सिर्फ और सिर्फ इतना जानता कि हाँ देश का रक्षा मंत्री है। यहाँ की जनता जिसको एक ऐसे प्रतिनिधि की आवश्यकता है जो उसके बीच का हो, उसके बीच में जाए। और रविदास मल्होत्रा जी एक ऐसे प्रत्याशी है जिनको लखनऊ का बच्चा बच्चा जानता है, और एक राजनाथ सिंह जी जो हैं उनको कोई बच्चा नहीं जानता होगा। VIP प्रोटोकॉल है, सिर्फ और सिर्फ जब इनको न्योता दिया जाता है तो वो लखनऊ के अंदर आते हैं, उसके अलावा वो लखनऊ में दिखाई नहीं देते। और रही बात जो सरकार विकास की बात करती है, विकास के नाम पे कोई काम नहीं हुआ है। माननीय अखिलेश यादव जी के द्वारा जो भी कार्य उत्तर प्रदेश के अंदर किए गए उसी का फीता काटने का काम किया गया, उसी का शिलान्यास करेगा। आप मेट्रो देख रही हैं, इसका विकास आज जितना अखिलेश जी ने ही काम करा था उतना ही हुआ है। जो वादे किए थे उस वादों को पूरा नहीं किया। और महिला सुरक्षा की बात करें, महिला सुरक्षा के नाम पर ये सरकार जीरो है। NCRB के आंकड़े को आगे के लिए कि महिलाओं के खिलाफ बहुत अत्याचार हुआ है। क्या लगता है 80 में कितनी सीटें आएंगी?
यहाँ तो 350 सीटें आएंगी। 80 की बात करिए, 80 उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में 50 प्लस आएंगी। बिल्कुल, आपको क्या लगता है इस बार किसान और नौजवान इस झूठी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगा? आपसे कह दूं, उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं और हमारी लड़ाई सिर्फ एक लोकसभा सीट पे, वो भी क्यूटो जो है, क्यूटो जिसको ये बनाने जा रहे हैं उसी पे हमारी लड़ाई है। और हमारी 79 सीटों पे कहीं भी लड़ाई नहीं, हम सारी जगह जीतने जा रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं, क्या माहौल दिख रहा है? माहौल समाजवादी पार्टी का एकदम भरपूर बना हुआ है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव और राहुल गांधी जी का जो गठबंधन है, उस गठबंधन से पूरे देश में एक माहौल सा बन गया है। और उस गठबंधन से नेता चुनाव नहीं लड़ रहे, इस समय की जनता चुनाव लड़ रही है। सभी जनता जानती है कि तरह सोच के, और कोई जनता 5 किलो राशन पे आने वाली नहीं है। और इस बार बदलाव बहुत भरपूर तरीके से जनता लेने जा रही है। निश्चित हम लोग सरकार बनाएंगे और इंडिया गठबंधन की हम लोगों की सरकार बनेगी और इंडिया एनडी गठबंधन को हम लोग हराएंगे। ये थे तमाम लोग यहाँ पे जो मौजूद थे, जिनसे हमने बात किया, जिन्होंने बताया कि इस बार कैसे गठबंधन